तो भाई साहब ने बहुत बार ये सोचा होगा कि मैं मतलब आप लोगों ने बहुत सारे जो वीडियोस देखे जैसे लेवेन हो जैसे कॉफिन इन सबकी वीडियो देखे तो आप सोचोगे कि ये लोग ऐसे ही हेडशॉट मारते हैं, बिल्कुल ऐसे जन से बिल्कुल बहुत तेज हेडशॉट मारते हैं, स्कोप ऑन हेडशॉट खत्म बिल्कुल ना। तो ये वो कैसे करते हैं, तो ये आज मैं इस वीडियो को लेके आपके लिए, जैसे आप हर बार हेडशॉट मार सकते हैं वॉर मोड में, चाहे कार 9 कोई भी गन ऑन मिल जाए हेडशॉट पक्का लगाएंगे, वो भी चलते चलते हिलते हिलते आप सब कर सकते हैं, लेकिन आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मैं बताऊंगा आपको वो कैसे करना है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप कर दिया तो गाइस आप पूरी ट्रिक को पूरी तरह से वेस्ट कर सकते हो और आप कभी हेडशॉट नहीं लगा पाओगे। तो गाइस इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो पे एक लाइक कर देना, क्योंकि एक लाइक से कुछ नहीं रहता ना, कुछ पैसा लगता है और जिससे मेरे को मोटिवेशन भी मिलेगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरे को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा और आपका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिससे आप मेरे को मेरी वीडियो हमेशा जो मैं कंटेंट के ऊपर ही ज़्यादा वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा, और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना जिससे मेरी वीडियो आप मिस ना कर सको। और गाइज आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे एक हफ्ते से वीडियो नहीं आई, क्योंकि कैसे ये वीडियो में थोड़ा रिसर्च कर रहा था और भी थोड़ी सारी चीज़ देख रहा था, और अभी क्या है कि मेरे पेपर जो एग्ज़ाम्स है वो आने वाले हैं, तो इसलिए मैं अब थोड़ी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। तो वैसे आपको है ना, आपको फेब्रुअरी के 7th या 8th तक से रेगुलर वीडियो मिलेगी, क्योंकि अभी तो गाइस मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है वीडियो बनाना, तो गाइस अभी तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कम से कम 3 या 4 दिन में एक वीडियो ज़रूर आपको दूँ। तो गाइस प्लीज़ कॉपरेट करना यार, बस थोड़े दिनों के लिए आपको थोड़ा कॉपरेट करना पड़ेगा, और गाइस प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चलिए गाइस आज का वीडियो है स्टार्ट, अब कर लेते हैं। तो गाइस इसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा फंड है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं मैं अभी हेडशॉट पे हेडशॉट मार रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्रेनिंग ग्राउंड पे हूँ, मैं भाई रोज़ ट्रेनिंग करता हूँ जिससे कि आपको मतलब मैं अपना गेम इम्प्रूव कर सकूँ और ज़्यादा अच्छे से। तो गाइस ये आपको करना पड़ेगा, वो अभी आपको वीडियो में थोड़ा तो फुल एक्सप्लेनेशन दूँगा कि भाई आपको ये ट्रिक ज़रूर करते जाना जिससे आपका हेडशॉट है ना बहुत अच्छा हो जाएगा, और आपका जो रिएक्शन टाइम है वो भी इंक्रीज होगा इसी वजह से। तो गाइस चलिए मैं आपको वो ट्रिक अब बिल्कुल एक वाला स्लो मोशन की क्लिप तो उसके ज़रिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ हेडशॉट मार सकते हैं, जो आपको वॉर मोड और क्लासिक मैच और आर्केड मोड ये सब में आपको बहुत काम आएगा। तो गाइस देखते हैं, चलो आप चलते हैं अपनी क्लिप की तरफ जिससे मैं आपको पूरा फुल एक्सप्लेनेशन देता हूँ। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं इस क्लिप में देखो स्लो मोशन में जा रहा हूँ, और मेरा जो एम है देखिए आप, जैसे ही वो मतलब थोड़ा पीछे था एम मेरा है ना, उसके आने के पहले मेरा एम थोड़ा पीछे, तो आपको उधर से ही स्कोप खोल देना है, उधर से आपको स्कोप खोलना है, फिर आपको मारना है अपना शॉट तुरंत बिल्कुल टच कर दीजिए, कोई कुछ नहीं होगा उधर थोड़ा आगे, क्योंकि जो मैंने ऐसे बना कि आप चलते जाते अगर स्कोप खुलोगे थोड़े आगे डिस्टेंस पहुँच जाओगे तब आपका स्कोप खुलगा। तो जैसे कि देख सकते हैं मैं आपको हर बार मतलब हर बार जो मैं कर रहा हूँ उसमें मैं यही कर रहा हूँ, पहले थोड़े से पहले मैं स्कोप 1 सेकंड पहले स्कोप खोल के फिर मार रहा हूँ, तो उससे क्या हो रहा है कि मेरे जो स्कोप है बिल्कुल टारगेट के जो मतलब हेड जो आपका उसका हेड दिखेगा ना उसके थोड़ा सा पीछे आपको स्कोप खोल के जैसे स्कोप खोलेगा वैसे ही शॉट मारना, अगर आपने थोड़ा लेट किया तो थोड़ा शॉट इधर उधर हो जाएगा, और आपको अगर जैसे आपने नीचे की तरफ करते तो आपको थोड़ा स्लाइड ऊपर करना है और फिर आपको थोड़ा सा हेडशॉट लेने की कोशिश करनी है, आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा अपनी एक्यूरेसी बनानी पड़ेगी, या फिर आप ये ट्रिक यूज़ करिए रोज़ यूज़ करिए, आपका अगर रिएक्शन टाइम ना बदले तो नीचे कमेंट में आके बता देना मेरे को, क्योंकि ऐसी बहुत ही अच्छी IQ वाली ट्रिक है जो मेरे को पता चली, और मैं इसे यूज़ करता हूँ अपने ट्रेनिंग ग्राउंड पे यूज़ करता हूँ, अपने मैचेस में यूज़ करता हूँ, हर जगह यूज़ करता हूँ, तो ये बहुत ही अच्छी इम्प्लीमेंट है। तो गाइस इसको आप प्लीज़ अपने है ना अपने गेम में ज़रूर डालिए, गाइस आपका जो स्नाइपिंग है ना बिल्कुल गॉड लेवल पर पहुँच जाएगी, क्योंकि ये फिर आपको क्या करना है जो आपकी DMRs है उसमें भी ऐसे एक एक शॉट लेके थोड़ा करना है, जो मैं जैसे Mini-14 आप समझ लूँगे है ना, DMR मतलब Mini-14 SLR ये सब है, उन गनों का आपको जाना है ना। तो गाइस ये आप कभी भी कर सकते हो मैच में, मैंने बहुत बार मतलब एक बार मैंने क्या किया था
कि मतलब मैं वार्म अप खेल रहा था, मैं भी इसी मतलब मैं अपने ट्रेनिंग ग्राउंड से उधर पे निकल के है ना, फिर वार्म अप में मैं सोचा थोड़ी सी अपना देखता हूँ कैसी हुई है इम्प्रूव। क्योंकि तो मैं जा रहा था जा रहा था, मेरे सामने एक बंदा आया थोड़े से एक 20-30 मीटर की दूरी पे होगा, तो मैंने उसको जल्दी इतनी तेज स्कोप हुई कि मैंने हेडशॉट मारा ना गाइस। मैं लिटरली गाइस लिटरली मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था कि मेरे को यही लग ही रहा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्नाइपिंग करने लगा हूँ गाइस, क्योंकि मेरे को खुद इम्प्रूवमेंट देखा था उसने। तो गाइस ये बहुत ही अच्छी ट्रिक, आप खुद अगर आपको ये एक चीज़ जरूर करनी, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर दी आपको पास पता चल गया और आप चले गए क्लासिक मैच में और सोचने के लगे कि पट्टे से हेडशॉट पड़ ही जाएगा, ट्रिक तो पता चली गई है। तो गाइस इसको पहले रिएक्शन आपका टाइम है ना वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। रिएक्शन टाइम एक अलग टॉपिक जिसके ऊपर मैं अच्छे से बिल्कुल अपने अपने शब्दों में आपको बताऊंगा कि रिएक्शन टाइम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, क्या एक्सरसाइज है उसकी, क्या आपको करना पड़ेगा, कैसे क्या करना पड़ेगा, पूरा एक्सप्लेनेशन। वो वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो गाइस अगर वीडियो थोड़ी लंबी रहे तो उसको थोड़ा कॉपरेट किया करें, क्योंकि मैं पूरी वीडियो में इतने अच्छे से आपको पूरा एक पूरा ऐसे मिक्सचर करके पूरा आपका कंटेंट इधर रख देता हूँ। तो गाइस प्लीज़ अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो गाइस बताइए कमेंट में, बताइए लाइक करिए वीडियो को, और अगर नहीं लगता है तो गाइस तो बताइए कहाँ गलती कहाँ हो रही है मेरे से। गाइस अगर गलती हो रही है तभी तो मेरे को पता चलेगा और अच्छा कंटेंट आएगा। गाइस आपको बहुत फ़ायदा अगर आपने मेरे को बताया कि वीडियो में कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, तो गाइस प्लीज़ बताया करिए। अगर आप ऐसी सपोर्ट देंगे और बताते रहेंगे कि मेरे को कहाँ गलतियाँ कैसा क्या हो रहा है, तो गाइस आपका बहुत ही ज़्यादा थैंक यू मिलेगा आपको भाई। गाइस ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो पे एक लाइक कर जाना, चैनल पर आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना, अगर कोई अच्छी वीडियो लगी थोड़ी भी यूज़फुल लगी होगी तो गाइस प्लीज़ कर देना, और अगर मैं अगर आपने नोटिफिकेशन बेल भी ऑन नहीं किया तो ऑन कर देना। तो गाइस ना ज़्यादा आपका समय लेते हुए आज की वीडियो का एंड ही कर देते हैं, और ना ज़्यादा बकवास करते हैं क्योंकि बकवास करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइस चलिए गाइस बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड हमारी वीडियोज़ के साथ, और नई की नई नई वीडियो जल्दी जल्दी आएगी। तो गाइस अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक आपको कोई सा चूज करना है तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो गाइस बाय बाय।